हेलो दोस्तों, अरुण जेटली स्टेडियम में वर्ल्ड कप 2023 का भारत और अफगानिस्तान का दूसरा महामुकाबला होने वाला है। यहां पर वर्ल्ड कप के पिछले मैच के दौरान इस मैदान पर हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिला था। इसमें टोटल 700 से ज़्यादा रन बने थे, इसलिए अरुण जेटली की पिच बल्लेबाजों के लिए काफ़ी मददगार साबित होने वाली है। इस मैदान की बाउंड्री बहुत छोटी है, यहाँ पर जो भी टीम टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लेना चाहेगी, यह पिच फास्टर गेंदबाजों को मदद करने वाली है। दोस्तों अब हम बात करते हैं प्लेइंग 11 की प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है। भारत की प्लेइंग 11 रोहित शर्मा, ईशान किशन जो ओपनिंग का जिम्मा संभालने वाले हैं, मिडिल ऑर्डर की कमान विराट कोहली, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल के हाथों में होने वाली है, और ऑलराउंडर की कमान रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या के हाथों में रहने वाली है, और बॉलिंग की कमान जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव के हाथों में रहने वाली है। यह इंडिया की प्लेइंग 11 रहने वाली है। अब दोस्तों हम बात करते हैं अफगानिस्तान की प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है। अफगानिस्तान की ओपनिंग जोड़ी रहमुल्ला गुरबराज, इब्राहिम जदार्दन, रहमत शाह, अस्तमुल साहिदी, मोहम्मद नबी, नजीबुल्ला, उमर जई, रशीद खान, मुजीबुर रहमान, नबीन उल हक और फास्टर की कमान फारूकी के हाथ में रहने वाली है। यह मैच में टीम इंडिया का पल्ला भारी रहने वाला है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।